एंड वेलकम बैक टू मेरा नया ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में है, मतलब नॉर्मल है, मेरा ट्यूशन का है और मेरा फिर कॉलेज का, और मेरे नाना नानी आए हुए थे, मतलब एक रिलेटिव यहाँ रहते हैं तो उनके घर आए हुए थे शादी में, तो हम लोग फिर उन लोग नाना नानी से मिले गए, वहाँ कुछ रिचुअल्स हुए, तो वो सारे चीज़ का ब्लॉग है। तो देखना वीडियो को, अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। निर्भय छात्रों के पास कैसे आया मोबाइल, जाने कैसे मतलब तुम माँ, हम तुमको बार बार बोले थे अगर ये गया तो तुम होगी। गौर से देखो इस लड़की को, गौर से क्या तो लोग रूम में गया ना, तो रूम में जा करके तो खोल के पता भी नहीं होगा। सर को तो मोबाइल इसका मुँह दिखाओ, देखो ना कल की GPSC के पेपर। ये सर के कुछ छात्र हैं, इनमें बहुत होशियार है कई, जैसे आप देख सकते हैं सब बड़े ही गंभीर अवस्था में बातें कर रहे हैं, जैसे इन्हें भी अपनी GPSC की परीक्षा देनी थी। लेकिन ये खुश क्यों है भाई साहब, पता नहीं आज रखे रिपोर्टर बनना चाहिए था तुम। आज का दिन कौन सा बहन, क्या बता सकती हूँ मैं भूल गई, आज का दिन कौन सा है? 11th में वेडनेसडे, हम लोग क्लास के लिए आ चुके हैं लेकिन हमारे सर अभी नहीं आए हैं। तो ये कई सारे छात्र हैं जो सुबह सुबह अपनी नींद को गवा करके सर का इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए ये सर आ गए हैं सर आते हुए। छात्र कृपया सर को जगह दे दे। सर आ चुके हैं तो आप देख सकते हैं छात्रों का दिन किस तरीके से अभी सर के पीछे पीछे आएगा। आप इंतजार नहीं करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए वन्ना चंद्रवंशी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए ये क्या, सर नहीं आए तो सारे छात्र नहीं रुक गए हैं। ये क्या, इसे बोलते हैं छात्र को, वो लोग सर से आगे नहीं चल सकते। लेकिन ये देखिए ये छात्र, ये बहुत ही होशियार है, बहुत ही होनहार है, ये सर के आगे चलता हुआ आ रहा है और ये सर आते हैं। देख सकते हैं ये सिर्फ ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है और दिन भर ऐसे टीवी देखते रहता है, कोई काम का नहीं है, ये यूजलेस है, ये एक नंबर का। तो मैं घर वापस आ गई ट्यूशन से चेंज वेंज करके, अब करेंगे अपना नाश्ता, प्याज का पराठा। ओके बाय बाय। तो मैं ट्यूशन से आ चुकी हूँ और फिर अब चलते हैं कॉलेज, चलो। ये पार्किंग है यहाँ का कॉलेज का, शायद ये टीचर्स के लिए, क्योंकि जब मैं सेमेस्टर वन में कॉलेज आती थी ना तब मैं दूसरे तरफ पार्क करती थी, पता नहीं उसके बाद फिर कभी ये लोग कॉलेज में गाड़ी घुसाने नहीं दिए। खैर ये है कविता, हाय, और फिर चलो कॉलेज। देखो ये मेरा कॉलेज, इधर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मतलब इधर प्रिंसिपल वगैरह सब जो है ना ये इसी ब्लॉक में है, और उसके बाद इसी के पीछे हम लोग को पार्किंग करने दिया जाता था। और ये है पीके रॉय कॉलेज धनबाद, और इधर ये न्यू बिल्डिंग बना है, बहुत पता नहीं कितना फ्लोर है। ये न्यू बना हुआ है अभी, जस्ट ये खुला भी नहीं है अभी। और उसके बाद ये पुटुस हुआ था एक बार फंक्शन यहाँ इस कॉलेज में, उसका लगा हुआ है। उसके बाद तो फिर कोविड के बाद मुझे नहीं पता मेरे कॉलेज में क्या क्या हुआ है, मैं नहीं जानती कुछ भी। कॉलेज लाइफ तो मेरा सारा कोविड लेकर चला गया अपने साथ, गया है कि नहीं गया है, पर कॉलेज लाइफ मेरा लेकर ज़रूर गया है। खैर चलो, इधर है मेरा जूलॉजी डिपार्टमेंट, जूलॉजी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सब इधर ही है, ऊपर में है बॉटनी का डिपार्टमेंट। तो एक दो डायग्राम मैं खुद का नहीं बनाई थी, मतलब यहाँ हम लोग कॉपी चेक करवाने हैं ना, प्रैक्टिकल कॉपी, तो एक दो डायग्राम मेरा रह गया था, तो वो कविता मेरा बना दे रही है ये सब, मतलब डायग्राम पेजेस प्रैक्टिकल सब हम लोग लिख लिए हैं, इस बार पहले ही लिख लिए हम लोग, वरना हम लोग पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले कंप्लीट करते थे, पर इस बार हम लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दो तीन हफ्ता पहले कंप्लीट कर लिए, वाओ। अब वापस घर की तरफ चलते हुए देखो, इधर जो दिख रहा था ना वो एरिया, उधर था पार्किंग का एरिया, ठीक है, हम लोग का स्टूडेंट्स के लिए। और अब घर चलो, मैं और ये कुछ बकवास कर रहे थे जो मैं सुना नहीं सकती आप लोगों को, तो अब घर चलते हैं, फिर मुझे जाना है नानी के पास ना, इसीलिए जल्दी जल्दी अब घर चलो। देखो इतना रास्ता है अंदर, मतलब रोड से अंदर घुसने के बाद इधर अलग इतना सड़क है कॉलेज के अंदर घुसने के लिए।
दर व्हाट इज दर। खैर अब थोड़ी देर बाद नानी के पास जाना है, आई हुई है ना, तो नाना फिर साथ में हम लोग के घर आ जाएंगे, पर नानी वहीं रुकेंगी। ठीक है तो चलो चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ नाना नानी के पास। एक्चुअली मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा मतलब वियर्ड टाइप्स लग रहा था। तो इधर मेरे नाना, ये रही किट्टू, मैं और किट्टू सिर्फ आए हैं। ठीक है फिर नाना हम लोग के साथ जाएंगे, उसके बाद नानी एक दो दिन बाद आएगी वापस, मतलब जब शादी ख़त्म हो जाएगा तब। और फिर इधर रही मेरी प्यारी नानी और नानी के कुछ फ्रेंड्स, आई मीन रिश्तेदार जो भी है, मुझे समझ नहीं आते। इधर देखो इतने सारे फ़ोटोज़ लगे हुए थे, ये मतलब ये भी शायद नेता है बीजेपी के जिनका घर है, इसीलिए सारा फ़ोटोज़ लगा के रखे थे। ये छोटा सा जो बच्चा है ना, ये सिर्फ छोटा सा बच्चा देखने में बहुत बदमाशी कर रहा था, बहुत। अब इधर एक रिचुअल है जो मेरे नाना कर रहे हैं, वो मतलब वो मड़वा गड़ाना होता है ना, जहाँ मंडप जहाँ बनेगा वहाँ पे, मंडप बनने से पहले ये चीज़ होता है कि ये लोग तो इसमें, मुझे नहीं पता ये कैसे कि मुझे प्रॉपरली इसका सब चीज़ नहीं पता है, पर हाँ ये होता है। ठीक है तो वही चीज़ हो रहा है, नाना मेरे कर रहे हैं और वो मतलब मुझे पूरा तरीके से अगर पता रहता तो मैं सारा बात बताती। कुछ इस तरह से ये रिचुअल हो रहा है, देख सकते हैं आप, है ना। पांच जन मिलकर एक ये छोटे से बांस को पकड़कर एक गमले में ऐसे गाड़ देना होता है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या है लॉजिक, आई डोंट नो। मेनली ये बिहार झारखंड में देखने को मिलता है, मुझे नहीं पता झारखंड का नहीं पता, पर बिहार में ये चीज़ होता है। मतलब मैंने अपने घर में जितना भी शादी देखी हूँ उसमें ये होता ही होता है, मंडप जिस दिन लगता है उससे एक दिन पहले। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है ना, और शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।